का जो ये मेरा मैसेज है, ये वही को बच्चे चले आती ना कि उनके साथ माँ बाप को धोखा देखो, ये क्या बोलती हैं उसे, भगोड़ी गति, भगोड़ी में भगोड़ी गति, इंग्लिश में आपको अपस्कैंडिंग गति है, क्या की बोलती हैं, फिर भी अल्लाह माफ करना। कई को घर को बोला तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है, हमारे भाई को बच्चों के ऊपर हमें मेहनत नहीं कर रही, उनकी बातों की मेहनत नहीं कर रही, अल्लाह रसूल की बातों की मेहनत नहीं कर रही, किसे क्या अच्छा दिशा वो कर ले गुजारी, इसके अंदर क्या हो रहा है, भाई को बच्चों को सही तरबियत नहीं हो रही है, सही तरबियत नहीं हो रही है। कॉलेजों के अंदर जाको देखो, शादी महलों के अंदर जाको देखो, फंक्शन हॉलों में देखो, हमारे भाई को बच्चों के पास रत्ती भी पर्दादारी नहीं, हमारा माँ बहनों के पास भी पर्दादारी नहीं। अल्लाह माफ करना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी पर्दे की अहमियत इज्जत करे, कितनी पर्दे की हम ना सिखा को गए, तो आज हमारे क्या हो रहा है, अल्लाह माफ करना, जाको देखो मालूम होता तुम ना, शादी महलों में एक के ऊपर भी पल्लो नहीं रहता। मैं एक नामा नहीं बोलता, कहूँ क्या, एक निकाह में गया था मैं, निकाह में मौली साहब क्या बोल रही है, या अल्लाह यहाँ तेरा निकाह हो रहा है, तेरी रहमत बरस रही है, तेरी ये वो तेरी वो, अल्लाह के वास्ते इसे दुआया मत करो, करोच न कोई ऐसा शादी महल के अंदर। मैं देखा मेरा आंखों से, एक औरत के सिर पर भी पल्लो नहीं है, एक औरत के सिर पर भी पल्लो नहीं है। तो पल्लो दुपट्टा बोलती, पल्लो भी बोलती, उर्दू में हमें मोटिवेट बात में पल्लो बोलती, पर्दा करना घर को बोलती, एक औरत के सिर पर भी पल्लो नहीं है तो हाँ रहमत के फरिश्ते आ जाती है, शैताना हद। ऐसे मौली साहब को मैं ये बात बताना चाहता हूँ, वैसी जगह दुआज करो ना को, खुद बोल लो, मैं निकाह नहीं पढ़ाता अगर बोल को, तो मैं क्या बोलूं उनको, तुम्हें सिराम को पल्लो ओढ़े तो मैं निकाह पढ़ाता हूँ, घर को बोले मस्जिद को ले लगो, मस्जिद में निकाह पढ़ाता हूँ, घर को बोल डालो साफ सीधा। कई कुछ चुपके लोगों को हमें उनकी सपोर्ट लेको चलना, उलमा इकराम के हाथ में जो चीज है वो आवाम के हाथ में नहीं है। मैं आप लोगों से बात बताना चाहता हूँ कि हमारे जो आज देख रहे ना हमें जनरेशन, हमारे भाई को बच्चे दूसरों के हवाले हो जा रही, क्यों, कई को तरबियत नहीं। हमें जो ये तबलीग जमात वाले पाप, मैं भी तबलीग जमात का उसके लिए बोलूं, मैं तबलीग जमात वाला ये इस्तेमात, मुस्तुरत के इस्तेमात, हाँ औरतों के घरों के अंदर जमातें ले लेकर जाना, औरतों के चंद, औरतों के चंद चंद शहरों के अंदर, चंद घरों के अंदर इस्तेमात रखना, कई को बोलो रखते सो, हमारा बच्चा, हमारा भाई को बच्चा में तरबियत अंदे, हमारा भाई को बच्चा में तरबियत अंदे घर को बोल को रखते सो, मगर यहाँ वैसा नहीं है। भाई को बच्चा को ला को, हमारे हमारी होम की बात कर रहा हूँ मैं, बाहर की नहीं, हमारे जो ये भाई को बच्चों को ना कोई शादियां में सेल कर रही, हमें सेल, हमारी खूबसूरत है घर को बोल को, पर्दा करे तो पर्दे में हिफाजत हो जाती ना, वो जो हमें बगैर पर्दे के गए तो क्या होता बोलो, क्या होता बोलो, गैर महरम देखती, गैर लोगान देखती, देख रहे क्या कितनी खूबसूरत है, कि क्या फिगर देख रहे घर को बोल को, जब क्या होता बोलो, जब क्या होता घर को बोले तो वो जो असरात उनकी जिंदगी में आती, वो जो बुरी नजर पड़ी ना, वो असरत उनकी जिंदगी में आती है। ख्याल पैदा होकर क्या करते, दूसरे को किसे की अच्छे को की मुच्छे को की पकड़ लग, मेरे बेटे चले आती, वो मेरे बेटे एक नंबर के छपरा हती। आज हमारी भाई को बच्चों को 100% दीन में लाने की, दीन की बातों को समझाने की, अल्लाह रसूल की और अल्लाह के नबी की, जो हमारे जो उम्मुल मोमिनीन ही, उनकी बात को बताना बहुत जरूरी, सहाबा रजी अल्लाह तआला की बातें बताना जरूरी, कॉलेज को भेजना नंबर वन, शादिया महलान को जाना नंबर वन, सब कामों में नंबर वन, दीन के बातों को सुनना नंबर जीरो। तुम्हारे घर में भाई को बच्चे चले रही, फोन आती है, अल्लाह माफ करना, फोन आती है कि देखो यहाँ हमारी बात चलती, अल्लाह हमारी बात में थोड़ी सी सलाह दिया है, अल्लाह ताला थोड़ा सा रोब भी दिया है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत हो, टेंशन में भी बात चलती। तो भाई को बच्चे जब एस्केप हुआ थी ना गैरों के साथ, अपनों के साथ, जो हमारे होम के बच्चों के साथ, तो उनके माँ बाप के हाथ पुलिस वाले होता रेस्पॉन्स लेते नहीं, पुलिस वाले होता रेस्पॉन्स लेते नहीं, दूसरे दूसरे कैसा रहती उनको, उसके वास्ते इन्हों हम ना फोना करती इनके माँ बाप, फोना कर को भैया हमारी बच्ची चलेगी, भैया अभी अच्छा काम ना हुआ सो, नजराना बजगा, जहेज बजगा, शादी की दावत बजगी, बहुत सारे चीजा बजगे ना, जाजा को घर घर को बोलना बजगा, सो बजगा ना। और दूसरी बात, नहीं भैया गैर गैर मुस्लिम गैर आई ना उनके साथ चलेगी हिंस, भैया अब भी भरी ना, खबरस्त मुसलमानों के खबरस्ताना में जगह बच गई, जन्नत में जगह बच गई। हाँ जब आपको हमें तुम्हारे घर तक बोलती है, जब आता नहीं ये बच्ची चले के बताते फोना हम ना
अच्छा पूरी दुनिया में हमारे जैसा नौजवान ही बोलना क्या है, उसके वास्ते बोल रू मैं। जब जाको अच्छे बातों से बुलाती ना तब नहीं आता है ख्याल ला, जाको सुनेंगे क्या तो भी करेंगे, जब नहीं आता ख्याल ला। हाँ दिन के बातों को आओ, तुम्हारा बच्चों को भेजो, हाँ तुम्हारा भाई भाई को बच्चों को भी मर्द बच्चों को भी भेजो, दिन के बातों सिकंद है, दिन के बातों सुनंद है, दिन के ऊपर अमल करन देगा तो जब नहीं करता है। नहीं देखो फोना को फोना मारती, उसके बाद उनको पकड़ लगा को देखे तो माइनर रह इन मेजर रह, फिर केस करो अंदर ढक लो छोकरे को, ये छोरा सो। उसके वास्ते पर्दे का अहतमाम करो, पर्दे का अहतमाम, तुम्हें क्या भी करो नको, तुम्हें क्या भी करो नको, पर्दे की अहतमाम तुम्हें हमारे नबी के बीवियां जो थे उन्होंने कैसा थे वैसा बनो, हमें जन्नत के हकदार। नहीं कर को बोले तो ऐसे मुसीबत आती है, हमारी होम को अल्लाह हिफाजत करना, भाई को बच्चा को जरा तरबियत करो, भाई को बच्चा को तरबियत करो, मर्द बच्चा का छोड़ो, मेरा बेटा नंगा गया तो भी हीरो चुना, उन्हें कपड़े नहीं सरका गया तो उसे गंदी चीज कपड़ा दिया तो भी छपा ले जाओ ना, भाई को बच्चा का वैसा नहीं, सिरपो पल्लो नहीं तो देख बात हड़ांग दीवानी जाती है अगर बोलती, सिरपो पल्लो नहीं तो भी हाँ जींस पैंट पहन को गई तो भी क्या बोलती माला मैं इन्हें किसे घर को मांग पैदा होगा, मुसलमानों की पैदा होनी नहीं गई, जरा मुसलमानों के तरीके सीखो, मुसलमानों के भाई को बच्चों को अल्लाह के वास्ते हमारी जो ये क्या ये में है बात जबान में नहीं आ रही है, मुस्कान खान वो मेरी बहन को याद रखो, मुस्कान खान को याद रखो, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्कान खान जैसा ईमान बनाओ, हजारों के सामने अल्लाह अकबर का नारा लगाई पर्दे के साथ, बिना पर्दे के नहीं, पर्दे के साथ अल्लाह अकबर का नारा लगाई पूरी दुनिया में उसका नाम, पूरी दुनिया में खाली इंडिया में नहीं पूरी कायनात के अंदर उसका नाम, अल्लाह अर्श के ऊपर भी उसका नाम क्या फरिश्तों के सामने पुकारे होंगे, ऐसे बनो। मैं तारीफ नहीं करूं बच्चे की, ईमान की तारीफ करूं उसकी, वैसा ईमान बनाओ हमारे भाई को बच्चों का, हमारे भाई को बच्चे जब तक ईमान पूरा नहीं सीखते या गैरों के हवाले भी होती है, ये हमारे पुरम्बकों के हवाले भी होती है या फ्रॉड मेरे बेटा के हवाले भी होती, अल्लाह के वास्ते हमारे भाई को बच्चों को शादियां में हाँ हाँ ललक हो जाती ना पर्दे के साथ ललक हो जाओ, कहीं को बिना पर्दे के ललक जाको दूसरे मेरे बेटा के सामने खड़ा को सेल करती है हमारा भाई को बच्चों को, हाँ भाई को बच्ची स्टेज पर चढ़ी है उसकी कमर देख कर था मेरा बेटा मेरे बाजू खड़े होने के, हाँ उसकी कमर देख कर उसके कपड़े देख कर उसकी ये देख, अल्लाह माफ करना भाई को बच्चों की हिफाजत करो, उनको पर्दादारी सिखाओ, उम्मुल मोमिनीन के साथ कल खयामत के दिन खड़ने वाले बनाओ, ज्यादा पर्दे का अहतमाम। अल्लाह के नबी आने का मकसद औरतों की इज्जत बढ़ाना, औरतों की इज्जत बहुत जलील थी जब नबी नहीं आए, जब बहुत जलील थी, नबी आने के बाद औरतों की इज्जत बढ़ी। सो आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, बहुत सारे आलिम तुम ना को समझे रहेंगे, बहुत सारे मस्जिदों के अंदर तुम बातें भी सुने रहेंगे, मेरे जो ये जो मेरी बात अगर तुम्हें दिल को लगी है तो मेरे लिए दुआ करो, अगर तुम ना दिल को नहीं लगी तो मैं उसके लिए क्या भी बोलना जरूरी नहीं समझता, उसके लिए मेरे लिए भी दुआ करो, मैं भी पर्दे का अहतमाम सिखाने की तौफीक दे, मुझे भी अल्लाह मेरे घर के अंदर भी पर्दा करने की तौफीक दे, पूरी उम्मत के अंदर अल्लाह ताला हमारी जो खास माँ बहनों को पर्दा करने का अहतमाम और तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।